प्रदेश समेत 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है, और वहीं सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर निशाना साधता नजर आ रहा है। और उनका ये कहना है कि जनता का जनाधार उन्हें इसीलिए नहीं मिला क्योंकि उनकी नीतियों में कमी थी, उन्होंने लोगों के लिए पहले से काम नहीं किया और उनके नेतृत्व पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं पार्टी अपने आत्मचिंतन में लगी हुई है, तो वहीं सत्ता पक्ष के बड़े नेता उन पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इसी बीच उमा भारती का एक बयान सामने आया है जिसमें वो प्रियंका गांधी में कह रही हैं कि मैं उन्हें उनके बारे में कोई टिप्पणी करने के लायक भी नहीं समझती, मैं उन पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहती। ये उमा भारती का अपने बयान में कहना है। इसी के साथ साथ उन्होंने प्रियंका गांधी के बारे में और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। जी ने काफी मेहनत की लेकिन परिणाम बहुत उल्टे आए, और अब कांग्रेस किस तरह से उनको देखती है, प्रियंका गांधी जी की मेहनत को और सर्जरी की बात अब कांग्रेस में हो रही है। मैं उनको किसी भी तरह से नहीं देखती, मुझे उनकी एक बात भूली नहीं। उन्होंने एक बार कहा कि उमा भारती जी मेरा नाम इसलिए लेती हैं, 2012 के विधानसभा चुनाव की बात है यूपी की, क्योंकि इससे उनको पब्लिसिटी मिलती है, तो उन्हें अपनी औकात भूल गई थी कि मैं मुख्यमंत्री रही हूँ, मैं केंद्र में मंत्री रही हूँ, मैं पार्टी की महासचिव रही हूँ, और वो पार्टी की अपनी पार्टी की उसमें पदाधिकारी भी नहीं थी। तब मैं समझ गई कि अहंकार है, ये पुश्तैनी जो सामंत फ्यूडल माइंड सेट होता है ये वो बोल रहा है। तब से ये मैं उन पर कमेंट करना बंद कर दूँ, उनका नाम नहीं लेती, उनको मिसेज वाड्रा बोलती हूँ, क्योंकि अभी उनको वो हाइट अपनी गेन करनी पड़ेगी कि मैं उन पर टिप्पणी भी करूँ। मैं आपको ये कह दूँ, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करती, उनको इस लायक नहीं समझती हूँ कि उन पर मैं कोई कमेंट करूँ। तो सुना आपने उमा भारती को, जहां वो इस लायक भी प्रियंका गांधी को नहीं समझती कि वो उन पे कोई कमेंट भी करें। तो लेकिन क्या सियासी हलचल इतनी तेज़ हो गई है कि नेताओं के बीच इतनी घृणा देखने को मिल रही है कि उस पर कोई बात भी नहीं करना चाहता? तो क्या ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश समेत बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी की हार हुई है वहाँ वहाँ विपक्ष बेहद कमज़ोर नज़र आ रहा है, या फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष को कुछ समझने से भी इनकार करने लगा है? आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।